आप सबको जय मसीह की। आज की रात की प्रार्थना में जाने से पहले हम बाइबल से एक वचन को पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना को करेंगे। उसके पहले हम बाइबल से एक वचन को निकालेंगे। आइए हम बाइबल से निकालें रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 2 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। मेरे प्रियो, आइए हम वचन को एक साथ मिलकर पढ़ें। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। प्रिय, परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर को जब हम जानते हैं, परमेश्वर को जब हम ग्रहण करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि प्रभु का वचन हमें कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो। तो संसार के सदृश ना बनो, इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? संसार में ऐसा क्या है जिससे परमेश्वर ने हमें अलग होने के लिए कहा है? संसार के सदृश मतलब यही है मेरे प्रियो कि संसार में जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर क्या होता है, झूठ बोलना होता है। वो झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं मेरे प्रियो, बहुत ज्यादा चुगली करते हैं, बहुत सारे नशे करते हैं, बहुत सारी गलत बातों में जुड़े हुए रहते हैं, बहुत सारे गलत संगति में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को ताने मारते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध बातें करते हैं, बहुत सारी ऐसे कार्य में जुड़े रहते हैं जो अच्छी बातें नहीं है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है कि संसार की बातों से हमें अलग होना है, हमें संसार से अलग होना है मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे वहां पे इस प्रकार से लिखा गया है मेरे प्रियो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आमीन। परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है कि हम जब परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, वचन में क्या लिखा गया है, हम परमेश्वर में एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब कुछ नया हो गया है। परंतु मेरे प्रियो, अभी क्या होता है कि हम प्रभु को जानने के बावजूद भी हो सकता है कि हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारी जो आदत रहती है मेरे प्रियो, वो पहले जैसे ही होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रभु को जानने के बाद भी नशे करते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु को जानने के बाद भी बहुत गलत कार्यों में जुड़े रहते हैं, प्रभु को जानने के बावजूद भी वो झूठ बोलते हैं, वो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों की चुगली करते हैं, बहुत सारे बुरी आदतों में पड़े रहते हैं। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपको इस बात से उत्साहित करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है, यदि आज आप प्रभु को जानने के बावजूद भी आप ऐसे कार्य में जुड़े हुए हैं, तो प्रभु आज आपको कहते हैं कि आप उस बातों से निकल जाइए मेरे प्रियो, उस चीज़ों से निकल जाइए। हाँ प्रियो, हो सकता है कि इन बातों से बहुत जल्दी निकलना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता है कि हम लोग बहुत दिन से कुछ लतों में, कुछ आदतों में, बहुत दिन से उन चीज़ों को हम करते आ रहे हैं, हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं होता है कि कुछ दिनों में हम चीज़ों को छोड़ दें। पर तो परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें एक सहायक को दिया है मेरे प्रियो, जिस सहायक के द्वारा हम इन सारे बातों से निकल सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें इन बातों से सहायता करेगा जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम वचन को पढ़ेंगे, प्रभु में आगे बढ़ेंगे, प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे मेरे प्रियो। तो पवित्र आत्मा से हम सहायता को मांगेंगे मेरे प्रियो, तो पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा, पवित्र आत्मा हमें इन सारे बातों में मदद करेगा, और उसके बाद क्या होगा, इन सारे बुरे आदतों से, संसार की बातों से हम निकल पाएंगे, हम अपने जीवन को, हम अपने मन को, हम अपने चाल चलन, इन सारी बातों को हम बदल पाएंगे मेरे प्रियो, और प्रभु में हम सिद्ध होने पाएंगे। और जब हम प्रभु में सिद्ध होंगे मेरे प्रियो, तो हम प्रभु में और आगे बढ़ पाएंगे, प्रभु की इच्छाओं को हम पूरी कर पाएंगे, और प्रभु जो हमारे जीवन में चाहता है उन बातों को हम ले पाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि हम बहुत कोई प्रभु के जाने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, बहुत गलत बातों में जुड़े रहते हैं, लेकिन प्रभु नहीं चाहता है कि हम उन बातों में जुड़े रहें मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़ा, बहुत अच्छा चीज सोच के रखा है। तो ये कब होगा, प्रभु अपनी इच्छा को हमारे जीवन में कब पूरा करेगा? हम प्रभु को जाने के बावजूद हम सोचते हैं कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, प्रभु ने क्या लिखा है, हमारे लिए क्या वरदान है। तो मेरे प्रिय, उन चीज़ों को हम तभी हम ले पाएंगे जब हम अपने जीवन में जो बुरी आदत है, बुरी चीज़ें हैं, जो बुरी बातों में हम जुड़े हुए, उनसे हम निकलेंगे मेरे प्रियो। और जब हम इस प्रकार से निकलेंगे मेरे प्रियो, तो प्रभु उन बातों को हमारे जीवन में भरेगा, प्रभु हमसे बातें करेगा, प्रभु वचन से, प्रार्थनाओं से हमसे बातें करेगा, हमें उन हर एक बातों को बताएगा जो प्रभु हमारे जीवन से चाहता है मेरे प्रियो। तो
आज जरूरी है कि आप प्रभु में एक नई जो सृष्टि है, तो अपने नई सृष्टि के साथ साथ अपने मन की बातों को और अपने स्वभाव को, अपने चाल चलन को भी बदलें। तो आज जरूरी है कि परमेश्वर में आप अपने आप को बदलें मेरे प्रियो। और जब आप इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करके प्रभु से मांगेंगे, तो पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा, क्योंकि वो हमारा सहायक है, प्रभु ने उसे हमें दिया है मेरे प्रियो। और जब हम इस प्रकार से प्रार्थना किया करेंगे, अपने आदतों से निकलने के लिए प्रार्थना करेंगे, तो हम इन बातों से निकल पाएंगे प्रियो। परमेश्वर का आत्मा हमें सहायता करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबू को बहुत आयत से आशीष दे मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, हम रात की प्रार्थना को करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। अपने सारे बातों को, अपने दर्द को, दुख को, कष्ट को, जिस जिस विषय के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे प्रियो, आज आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपकी सुनेगा और आपको उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह इस सुंदर सा वक्त के लिए। पिता प्रभु, आपने सुंदर सा वक्त दिया, समय दिया, हमें संभाला, हमें जीवित रखा, चंगा भला रखा पिता, इसलिए बहुत आए धन्यवाद करते हैं। पिताजी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपने हमें दिन भर संभाला पिता प्रभु। परमेश्वर सुबह से लेकर अभी तक आपने हमें सुरक्षित रखा, हर एक जानलेवा बीमारी से, एक्सीडेंट से प्रभु, हमें और प्रभु हमारे परिवार को, हर एक भाई बहनों को आपने परमेश्वर बचा के प्रभु जी इस समय इस वक्त सुंदर सा संगति हमारे जीवन में दिया पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पिता प्रार्थना करते प्रभु, दिन भर में सुबह से लेकर अभी तक प्रभु, यदि हमसे कोई भी गलती, गुना, अपराध जाने अनजाने में हो गई है पिता आपकी दृष्टि में, जो बुरे उन आदतों में हम परमेश्वर ऐसी कोई आदत, ऐसे कोई कार्य कर दिए प्रभु जी, आप हमें क्षमा कीजिए पिता, और हमें सामर्थ दीजिए पिता प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आप हमें मदद कीजिए, होली स्पिरिट आप हमें सामर्थ दीजिए, ताकि उन हर एक बुरी बातों से, बुरी आदतों से, बुरी लतों से, बुरी चीज़ों से हम निकल के एक पवित्र जीवन यीशु पिता आपके लिए जी पाए पिता। ओ परमेश्वर आप हमें मदद कीजिए होली स्पिरिट। पिताजी हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सा वचन से, आपने हम सभी से बातचीत किया पिता, इस सुंदर सा वचन को हमारे बीच में रखा पिता प्रभु, कि संसार के सदृश हमें नहीं बनना है, क्योंकि आपने हमें संसार से अलग किया है पिता, क्योंकि आपने कहा है प्रभु जी हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जितने सारे भाई बहन प्रभु जी, यदि कोई भी बुरी बातों से, कोई बुरी लतों से, बुरी संगति में, बुरी कार्य से जुड़े हुए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अभी भी कोई बुरी बातें प्रभु, पुरानी बातें अभी तक पड़ी हुई है पिता प्रभु, आपको जानने के बावजूद भी पिता आज हम प्रार्थना करते प्रभु, आप उन्हें सामर्थ्य दीजिए, आप उन्हें सहायता कीजिए पिता, होली स्पिरिट आप उन्हें मदद कीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर, कि प्रभु जी वो उन बातों से निकल पाए और एक पवित्र जीवन, जो आपको भाए, जो आपको प्रसन्न करे, वैसे जीवन हर एक भाई बहन, हर एक यंगस्टर, हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग आपकी दृष्टि में जीने पाए पिता प्रभु। इस सुंदर सा वचन से जो आपने भरा प्रभु जी, आपने हमसे बातचीत किया, हमें उत्साहित किया, होने दीजिए प्रभु, जितने सारे भाई बहन इस वचन को सुने हैं पिता, उनके हृदय में, उनके मनों में आप कार्य कीजिए प्रभु, वो परमेश्वर मन के रूप से भी, आदतों के रूप से भी वो बदल ले पाए पिता आप में प्रभु, ऐसी दुआ प्रार्थना करती हूँ खुदा बाबा। प्रभु उस बात से आपको परमेश्वर आशीषित करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा और परमेश्वर आपको आनंद महिमा को आपके जीवन में देगा मेरे प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे और हम एक प्रार्थना को करेंगे, हम रात की प्रार्थना को करेंगे और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति, आपकी गौरव, आपकी प्रशंसा करते हैं पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर सा समय आपने हमें दिया, सुबह से लेके अभी तक आपने हमें संभाला पिताजी, हमें सुरक्षित रखा, जीवित रखा, चंगा भला रखा पिता, हम पर आशीष किया पिताजी, पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं पिताजी। जिस पापा इस वक्त हम आपके पास आते हैं पिता प्रभु, जब प्रार्थना करते हैं, यदि परमेश्वर दिन भर में हमसे कोई भी गलती, गुना, अपराध हुए परमेश्वर, हमसे कोई भी पाप हुए हैं पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में पिता प्रभु जी हमें आप माफ कीजिए। आपका वचन कहता है यदि तुम्हारे पाप अगरवानी रंग के समान में लाल हो, मैं उसे अपने लहू से धो के हीम के समान सफेद कर दूंगा। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ हम जितने सारे भाई बहन आज के समय को प्रार्थना को सुन रहे और प्रार्थना में शामिल हुए पिता प्रभु, हमसे कोई भी गलती, गुना, अपराध हुए तो हमें क्षमा कीजिए, हमें सामर्थ्य दीजिए प्रभु, ताकि उन गलतियों को हम ना दोहराएं पिता प्रभु, उन गलतियों को हम ना करें प्रभु जी, आपके दृष्टि में जो बुरा है उन बातों को हम रिपीट ना करें पिता परमेश्वर, मैं ऐसी प्रार्थना को करते प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ आज के सुंदर सा वचन से आपने हमें बातचीत किया, आपने कहा कि डरो नहीं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तो मेरे ऊपर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो पिताजी। जैसे ये वचन आपके चेले लोगों के लिए प्रभु आपने इस बात को कहा था, उसी प्रकार जितने सारे भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुने, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे भाई बहन हो पिता परमेश्वर, खुदा परमेश्वर कोई भी प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहा है, इस वचनों को सुना है पिता, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए।
यदि उनके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आपको जानने के बाद परमेश्वर उनके जीवन में लोग उनको परमेश्वर उनके उनको ऊपर सताया जा रहा है, उनको तकलीफ सहना पड़ रहा है, परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखने पाए प्रभु, और परमेश्वर आप उनके लिए एक रास्ता को खोलिए, एक सही स्थान को बनाए परमेश्वर, एक सही परमेश्वर राह उन्हें दिखाई पिता प्रभु जी, ताकि परमेश्वर वे आपकी महिमा करने पाए, इस सताओं से, इन तकलीफों से, संकट से, समस्या से आप स्वयं उनकी रक्षा करें पिता प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना को करते खुदा बाप ओ परमेश्वर आपके सारे लोगों को आपके हाथ में सौंपते, इस रात के भार को पूरे आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, अभी तक संभालने के लिए धन्यवाद, आगे भी संभालिएगा पिता प्रभु, परमेश्वर रात में अच्छी मीठी नींद के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, परमेश्वर जितने सारे भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके परिवार में उनके सब को अच्छी मीठी नींद आए, कोई भी बुरे सपने, कोई भी थॉट्स परमेश्वर, कोई भी परमेश्वर नींद ना आने की प्रॉब्लम्स पिता प्रभु जी, कोई भी घबराहट, कोई भी बेचैनी उनकी नींद में ना कार्य करने पाए, वो चैन से सो जाए और आपके अनुग्रह की दया से एक नई सुबह, एक नया दिन देखने पाए, और सुबह को उठ के परमेश्वर वो धन्यवाद के साथ दिन की शुरुआत करने पाए, ऐसे प्रार्थना को करते हैं परमेश्वर। सारा बात आपको हाथों में देते, आपके सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते, सारी प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन।